तो अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं या ई कॉमर्स में आने का मन बना रहे हैं, मीन्स ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि मुझे अपनी वेबसाइट कब बनानी चाहिए, या वेबसाइट मुझे अपनी बनानी भी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि जब कोई ई कॉमर्स सेलर आता है तो पहले वो जो वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेसेज हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपसी, वहाँ पर लिस्टिंग करता है, और वो ये कभी नहीं सोचता कि यार मेरे को अपनी भी वेबसाइट बनानी चाहिए, या उसका सही टाइम क्या है वेबसाइट बनाने का, ये बातें उसके दिमाग में नहीं आती हैं, और तब तक काफी लेट हो चुका होता है, जिसका खामियाजा आगे चल के उसको भुगतना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सही टाइम है आपको अपनी वेबसाइट बनाने का, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे तो यकीन मानिए आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, जो मैं आपको आगे की वीडियोज में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं, जब कोई ई कॉमर्स सेलर ऑनबोर्ड होता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो वो बहुत बिजी हो जाता है उन्हीं मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के लिए। बट एक बात आप सभी ध्यान रखिए कि आप सेलिंग कहीं भी कर रहे हो, बट जैसे ही आपने अपनी ब्रांड बनाई, उस ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में जरूर इनरोल करा दें। होगा क्या कि जब आपको टीएम सिंबल मिल जाएगा तो वो ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में चली जाएगी। उसके बाद पूरा एक प्रोसेस होता है 6 महीने का। 6 महीने बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, आपत्ति नहीं आई, तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड स्टेटस में हो जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, मीन्स आपको टीएम लिखने का ऑथराइजेशन मिल जाए, वैसे ही आप अपने ब्रांड के लिए एक वेबसाइट जरूर सोच लें, मींस एक डोमेन ले लें, चाहे वो .in हो, .com हो, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जरूर ले लें। क्योंकि आगे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी ब्रांड बड़ी होती जाएगी, लोगों की नजर में आ जाएगी, हो सकता है उसका जो आपका ब्रांड नेम है उसका डोमेन कोई और खरीद ले, बाद में आपको मिल ही ना पाए। इसीलिए आपको लेट नहीं करना है। आजकल तो आपने देखा होगा होस्टिंगर है, गोडाइडी है, वर्डप्रेस है, बहुत चीपेस्ट रेट में यहां पे आपको डोमेन भी मिल जाएगा एंड होस्टिंग भी मिल जाएगा। तो आपको तो डोमेन तुरंत ले लेना चाहिए जैसे ही आपने ब्रांड के लिए अप्लाई किया, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जब आपका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको सेल मिलने लगे, तो आपको होस्टिंग भी ले लेनी चाहिए, और धीरे धीरे आपको अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी चाहिए और वहां पे उन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जहां पे आप घर बैठे अपने ऑर्डर्स को शिप कर पाएंगे। आपको ना तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत है और ना कहीं जाने की जरूरत है, बहुत चीप रेट में ये सारा काम आपका हो जाएगा। तो जब आप होस्टिंग खरीद लेंगे, आप लिस्टिंग कर लेंगे, तो होगा क्या कि जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं ना, वहां पे एक स्मॉल बैनर आप प्रिंट करा के या एक स्मॉल पेज में आप अपनी ब्रांडिंग प्रिंट करा करके उसको अपने पैकेजिंग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि अलाउ है। होगा क्या, जब आपका ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचेगा तो कस्टमर उसको जरूर देखेगा, उसमें आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो वो आपकी वेबसाइट को जरूर विजिट करेगा। और जब वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे आपका प्राइस और वहां पे आपकी सारी चीजें क्या होंगी आपको अच्छे से मालूम है, बोल नहीं रहा हूं उसको, तो जाहिर सी बात है आपका ट्रैफिक बढ़ना तय है और धीरे धीरे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बन जाएगी, मतलब एक ब्रांड आप बन जाएंगे। तो ये एक सही प्रोसेस है अगर आपको अपने ब्रांड को आगे तक ले जाना है और एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर बनना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।